नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं के सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे। सियासत इतनी गर्म है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यूपी के अंदर आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वीआईपी पार्टी ने भी आगाज किया है कि वो लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन अभी मंत्री जी का उत्तर प्रदेश आना नहीं हो पा रहा है और वो कुछ चीज़ों में बिहार में भी व्यस्त हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी कि बिहार यूपी में कब उनका आना हो रहा है, आप लोगों को जानकारी वीआईपी न्यूज टुडे के माध्यम से जरूर दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, अभी तो राष्ट्रपति चुनाव के बातें चल रही हैं और चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने अपने द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा होने वाले हैं भारत के अंदर, क्या ये लोकसभा इतने मजबूत हो पाएंगे? क्या लोकसभा में फिर से बीजेपी अपना शासन कायम कर पाएगी? क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीतने से विपक्ष एक साथ आकर के रोक पाएगा? तमाम सवाल हैं और तमाम जवाब भी हैं, तमाम विपक्ष हैं। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से चीजें निकल करके आ रही हैं। अभी आपने देखा कि अभी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए। और बीता जो विधानसभा चुनाव आपने देखा है, किस तरह से बीजेपी ने अपनी जीत को दर्ज किया है। उससे पहले किसान दिल्ली के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहा था, किस तरह से जो है किसानों के कानूनों को वापस लिया गया ताकि वो किसानों के वोट को एकजुट करने का काम कर सके। और बिहार, झारखंड और आपका यूपी या पंजाब, हरियाणा, ये जो सभी स्टेट हैं, कहीं ना कहीं सियासत बहुत गर्म नज़र आ रही है। लोगों के अंदर महंगाई को लेकर के किस तरह से, और धर्म के प्रति भी लोगों के किस तरह से जो है कमेंट ट्विटर पे आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ये बहुत ही सोचने का विषय है। इस पर आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, कौन अपनी जीत दर्ज करेगा और कौन अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाएगा। क्या भाजपा इस बार भी तीसरी बार अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी? तो यही तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीआईपी न्यूज टुडे। हम पल पल की खबरें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। वीआईपी पार्टी ने भी दावा किया है कि वो लोकसभा के चुनाव को लड़ेगी। कितनी मजबूती से लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने के बाद लखनऊ या यूपी में अभी नहीं आए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो क्या नीति रणनीति बनती है, और समीक्षा बैठक भी अभी अधूरी है, यूपी की नहीं हो पाई है। तो जैसे भी जो भी निर्णय होंगे, वो सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग देखते रहिए वीआईपी न्यूज़ टुडे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं के सिद्धार्थ और आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और एक छोटी जानकारी आप लोगों को, क्या लखनऊ में घर बनाना चाहते हैं? लखनऊ में अगर अपने सपनों का घर आप बनाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पर। बहुत सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको लखनऊ में मिल सकते हैं। इस समय लखनऊ भारत के टॉप 10 जो शहर है, नंबर 1 पर सिर्फ लखनऊ का डेवलपमेंट हो रहा है। और लखनऊ में गवर्नमेंट के लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फिलहाल कंटिन्यू है। तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें और पता करें कि लखनऊ में किस रेट पर सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको मिल सकते हैं और आप अपने एक सपनों का घर बना सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।